नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आपकी हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को आलू का सेवन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल आपकी हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सीधे पहुँच सके। चलिए दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान आलू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आलू गर्भवती महिला के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं गर्भाशय में आलू खाने से गर्भवती महिला को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक गर्भाशय महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, इससे शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में आलू खाने से शर्करा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। आलू में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसे गर्भाशय में खाने से डायबिटीज़ के लक्षण पाए जाते हैं, इसे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। आलू में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी में इनका सेवन करने से होने वाले बच्चे का मोटापे का शिकार हो सकता है। गर्भावस्था में ज़्यादा आलू खाने से बच्चे की स्किन सिकुड़ी हुई और दरारों वाली हो सकती है, क्योंकि खून में आंतरिक शर्करा हो जाने की वजह से यह समस्या हो सकती है। शोध के मुताबिक गर्भाशय में आलू खाने से माँ और बच्चे को थायराइड की शिकायत भी हो सकती है। आलू में फैट होता है, ये दिल के लिए अच्छा नहीं होता। प्रेगनेंसी में महिला का शरीर पहले ही नाजुक होता है, ऐसे में दिल की धड़कन तेजी से ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी में आलू खाने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। आलू खाने से दिल पर ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि ये खाने में भारी होता है, इसे पचने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसे में दिल को धड़कने में ज़्यादा जोर लगता है। इसीलिए दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को आलू का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। आलू गर्भवती महिला और पेट में पल रहे बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।